कला है, और कला कहते हैं ना कि कला हमारे रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, और कला को सोचना और समझना और ये हमारी प्रारंभिक ज़रूरतों में से एक है। और कला से हटकर जो लोग जीने की कल्पना करते हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से जड़ता के शिकार हो जाते हैं। तो इसको सोचने समझने और देखने की ललक हमारी एक सहज प्रक्रिया है। कई बार होता है ना कि हम यहाँ इसमें देखते हैं कि ये चित्र टूटा फूटा है, कहीं सूरज ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब अलग अलग चित्रों बनाते हैं, लेकिन हर चित्र एक कहानी कहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और इसको समझने के लिए हमें हमारा जो दिल है उसमें डालना पड़ता है। जब मन का संस्पर्श चित्रों को मिल जाता है तो हमारी सारी जटिलता का हल मिल जाता है। तो आज ही यहाँ पर विभिन्न लोगों की कला को यहाँ पर मनमोहन जी ने एक साथ एक जगह प्रकट किया, इसके लिए मनमोहन जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये हमेशा ये कार्य करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो भी चित्रकार हैं वो आगे आएँ। आज देखिए कई जगह तो कई चित्रकारों की एक एक चित्रकला करोड़ों में बिकती है, और तो कहीं किसी की कुछ बिकती ही नहीं है। हमको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जितने भी कलाकार हैं सभी की कला को एक सम्मान मिले। अमेजिंग आर्ट, अमेजिंग, व्हाट एवर सीन, अमेजिंग आर्ट, हाउ वी गॉट पीपल आर सो क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, एंड यू नो देयर सेवरल वेज ऑफ लुकिंग एट अ पेंटिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग व्हाट टैलेंट वी हैव इन दिस कंट्री। Thank you, Manmohan ji. Exhibition in Mumbai since last 8 years, and I'm trying to bring all sort of artists together. And jaisa ki Manju Babi ne kaha ki kuch artist bahut acche hain, kuch thode piche reh jate hain talent hone ke baad bhi, national award hone ke baad bhi. To hamari koshish hai ki hum ek behtar platform artist ko bhi dein, aur jo art lovers hain, jo real art ke qadrdaan hain, unko bhi dein. और जैसा कि हमारा जहांगीर आर्ट गैलरी काफ़ी एडवांस बुक होता है, तो उसकी बात जाने देते हैं। महाराष्ट्र में करीबन 150 आर्ट कॉलेज हैं, और जो भी वहां से ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर अबाउट 600 to 700 BFA MFA हर आर्ट कॉलेज से लोग निकलते हैं, तो उनका कोई फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो थोड़े स्मार्ट हैं या जिनका बहुत अच्छा काम है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड पाके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश है, और फिर हम कुछ ऑनलाइन भी कुछ हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था। सबसे पहले मैं मनमोहन जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं, देता हूं। ये जो इन्होंने ये उपराला करते हैं या जो इंस्पिरेशन लेते हैं दुनिया से और दुनिया को देते हैं, ख़ास करके आर्टिस्ट को जो जिनको लोगों ने पहचाना नहीं है या जो छुपे हुए हैं, उनको उभारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए, उनको दुनिया में उनको एक्सपोज करने के लिए जो ये जो मेहनत करते हैं, पहली बात सबसे पहले इसका अभिनंदन इनको। दूसरा, ये जो कलर्स ऑफ स्प्रिंग ये प्रोग्राम में इन्होंने रखा है सिमरोजा आर्ट गैलरी में ब्रिज कैंडी पे, ये इनका 10वां साल है जब इसे इन्होंने शुरू किया प्रोग्राम, और 10 साल ऐसे निकल गए जैसे कुछ महीने या कुछ साल हों, क्योंकि इनकी जो लगन है, इनका जो लगाव है, इनकी जो जो इनकी जो झुकाव है ये आर्ट के तरफ, आर्टिस्ट को की तरफ इतनी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में ये बातें होती हैं। तो ये दिल में एक भावना होनी, ये भी एक देश की सेवा है, क्योंकि देश हमारा इतना अमीर है, इतना उच्च कोटि पे पहुँच सकता है, पहुँचा हुआ है। तो ऐसे जो आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे देश में हैं जिनको अभी उभारना है, जिनको आगे लाना है, जिनको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये जो काम मनमोहन जी कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुबारकबाद चीज़ है, और इस बात के लिए इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी आगे जो फ्यूचर है उसके अंदर ऐसे ही ये मेहनत करेंगे, और आर्टिस्ट को, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे, जिससे कि इनकी भी एक इनकी पब्लिसिटी होती है, इनको जो अंदर का जो इनका जो एक जो गॉड गिफ्ट है जो परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने इनको दी है, ये बाहर आएगा और लोग देखेंगे और इनको पहचानेंगे लोग। बाकी कमर्शियल एस्पेक्ट है वो तो है ही है, हर इंसान कमर्शियल अपना काम करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन इनको इनकी पहचान बनना दुनिया में ये उससे भी ज़रूरी बात है। तो मैं फिर से मनमोहन जी को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जो मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मेरी पर्सनल जो एक 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 शुभकामनाएं हैं मैं इनको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मनमोहन जी, और भगवान करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे, आप ऐसे ही आप इस चीज़ को उभारते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद,
जय हिंद वंदे मातरम। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ, टेक्सटाइल हम लोग कपड़ा बनाते हैं, उसके साथ हम देश की सेवा करते हैं। और उसके साथ जैसे मनमोहन जी कर रहे हैं कि लोगों को उभारना, ये चीज़ों को पब्लिसाइज करना, एक्सपोज करना जिनके अंदर टैलेंट है, उसके साथ हमने, मैंने और मिथिला पुरोहित जी ने मिलकर, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस भी हैं, तो हमने दोनों ने मिलकर एक ब्यूटी सैलून खोला है, ब्यूटी लाउंज खोला है, इसका नाम BFF ब्यूटी लाउंज है। और हमारे ब्यूटी लाउंज की तरफ से भी मनमोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत अभिनंदन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं मनमोहन जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने आज 10 साल कंप्लीट किए हैं एग्जीबिशंस के साथ, और जैसे मैंने पेंटिंग्स देखी बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक्स भी कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया तो मुझे ये सब देखने का मौका मिला। मैंने कभी अपनी लाइफ में पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस में नहीं अटेंड किया, बट आज यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू।